हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर मी ब्यूटीफुल। आप जैसे देख सकते हैं मेरे बाल ना ही पूरी तरह से कर्ली हैं ना ही स्ट्रेट हैं, तो उसे मैनेज करने के लिए मैंने परचेस किया है फिलिप्स का हीटेड स्ट्रेटनिंग ब्रश, जो कि ये न्यू मॉडल है। इसमें पहले भी एक मॉडल अवेलेबल था, बट दिस इज़ द न्यू मॉडल विथ सम एडिशनल फीचर्स इन इट, एंड ये आपके बाल सिर्फ 5 मिनट्स में स्ट्रेट कर देगा। इसके साथ काफ़ी अच्छा एंड लंबा वायर भी है, ताकि आप इसे आराम से कहीं भी बैठकर यूज़ कर सकें। एंड इस तरह का यहाँ इसमें एक प्लग आ जाता है, ये इस तरह के ब्रिसल्स के साथ आता है, जो बहुत कंफर्टेबल यूज़ होता है। मैं इसका डिटेल भी आपको बता दूंगी। एंड इसमें जो पहले का मॉडल था उसमें 2 ही एडजस्टमेंट्स थे, लाइक जो हीटिंग पावर थी वो इससे काफ़ी स्लो थी। अब जो हीटिंग पावर है इसमें वो अप टू 200 डिग्रीज तक है, विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड बहुत ईजी टू हैंडल है ये। हम इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। दिस इज फिलिप्स हीटेड स्ट्रेटनिंग ब्रश। इसमें आपको आइकॉनिक केयर मिलता है एंड ये सेरामिक आर्गन ऑयल इन्फ्यूज ब्रिसल्स है इसमें, एंड इसमें ट्रिपल ब्रिसल डिज़ाइन है, लार्ज पैडल है इसमें। इसका जो हीटिंग पावर है वो 150 डिग्रीज से 200 डिग्रीज तक है। अर्लियर इसमें 2 ही थे, 150 एंड 170 आई गेस। एंड इसका जो मॉडल है वो नंबर आप देख सकते हो। इसका जो ब्रिसल डिज़ाइन है वो बहुत यूनिक टाइप का है, लाइक ये आपके स्कैल्प पे टच नहीं करेगा, बिकॉज जो अंदर के जो ब्रिसल्स हैं वही हीट होते हैं और वो थोड़े से छोटे हैं, और जो बाहर के ब्रिसल्स हैं दैट आर अ बिट लॉन्गर दैन दी इनसाइड ब्रिसल्स। तो अगर आपने इस ब्रश को अपने सर पे लगाया भी तो आपका स्कैल्प पे आपको बर्न नहीं होगा। आप इसका बटन देख सकते हो, इसमें 2 हीटिंग 3 हीटिंग पावर्स हैं, लाइक यू कैन चूज़ 150 डिग्री 170 एंड ऑल्सो 200 डिग्रीज, एंड होल्डिंग के लिए भी बहुत ईजी है, लाइट वेट है ये। अब हम इसे अपने बालों पे यूज़ कर लेते हैं। जब भी आप इसे प्लग इन करेंगे, पहले आपको बटन ऑफ पे ही इसे प्लग इन करना है। ऑन करने के बाद ये कुछ इस तरह से ब्लिंक होगा, एंड इसके बाद आप अपना पावर भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। 150 एंड 170 थोड़ा सा लो हीटिंग है, बट 170 भी बहुत अच्छा हीटिंग देता है और नॉर्मल नेचुरल लुकिंग हेयर आपको मिलता है उससे। लेकिन जितना ज़्यादा हीट होता है उतना बाल स्ट्रेट होता है, तो डेफिनेटली आपको अगर ज़्यादा स्ट्रेट हेयर चाहिए तो आप 200 सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया है 170 डिग्रीज। बालों को आप थोड़ा सा डिटैंगलर से कोम कर लें, एंड जब तक लाइट ब्लिंक हो रही है हार्डली कुछ सेकेंड्स लगता है, फिर लाइट अपने आप ब्लिंक होना बंद हो जाती है। बालों पर इस ब्रश को यूज़ करने से पहले आप हीट प्रोटेक्टर ज़रूर लगाएं, कोई भी फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में या जो भी आप लगाना चाहते हैं ज़रूर लगाएं, बिकॉज बाल उससे डैमेज नहीं होंगे। और जैसे ही लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाती है आप इसे अपने बालों पर यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसे यूज़ करेंगे आप डायरेक्टली भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं बालों पर जैसे आप कोम कर रहे हो, और थोड़ा सा धीरे यूज़ करें ताकि बाल अच्छे से हीट अप हो जाए और आपको इफ़ेक्ट देखने को मिले अच्छा। एंड आप इसको अंदर के साइड से भी कोम कर सकते हैं, विच इज़ मच प्रेफरेबल, क्योंकि अंदर के जो बाल होते हैं वो जल्दी से स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, सिर्फ ऊपर के बाल होते हैं। तो आप अंदर के साइड से भी इसे आराम से कोम कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपको यूज़ करना है, और देख सकते हो धीरे धीरे ये कितना अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है। मैंने नोटिस किया है जब इसे यूज़ करते हैं तो बाल में एक अलग सी शाइन भी आ जाती है, बिकॉज इसमें केराटिन इन्फ्यूज्ड है, और आपको मिलते हैं बहुत शाइनी और हेल्दी लुकिंग हेयर। इस ब्रश में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज है जिससे आपके बाल जलते भी नहीं हैं। आप जब इसे 200 डिग्रीज पर भी यूज़ करते हैं काफ़ी अच्छा आपको इफ़ेक्ट मिलता है डिज़ायर्ड, बट जलेगा नहीं आपका बाल, एंड स्कैल्प पर भी ये टच नहीं होता है, बिकॉज इसके जो ब्रिसल्स हैं मैंने आपको बताया अंदर के जो मेन ब्रिसल्स जो हीटअप होते हैं वो छोटे हैं। तो आप डायरेक्टली भी इसे कोमिंग स्टाइल में भी कर सकते हैं। एंड फिलिप्स का जो भी मैंने कभी भी यूज़ किया है हेयर ड्रायर वगैरह, बहुत ही अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, एंड इस प्रोडक्ट में भी आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है। लेकिन फिलिप्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इसलिए मैंने फ़िलिप्स का प्रोडक्ट चूज़ किया, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन दूसरे मॉडल्स भी थे दूसरे ब्रांड्स के, बट मैंने फ़िलिप्स चूज़ किया बिकॉज ऑफ द लॉन्गेटिविटी। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, और जो पीछे वाले बाल हैं आप उसको थोड़ा सा और कोम कर लें अगर आपको लग रहा है वो ठीक से नहीं हुए हैं, ताकि अच्छे से कोम हो जाए।
काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आप देख सकते हो काफ़ी सिल्की स्ट्रेट हो गए मेरे बाल, तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है दोनों साइड पे। एंड ऑल्सो मैं बता दूं, अगर आपको लॉन्ग स्टे चाहिए तो आप स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, सेटिंग स्प्रे। एंड अब मैं अपने दूसरे साइड के बालों को भी कर लूँगी। आप देख सकते हो कितना डिफरेंट दिख रहा है दोनों साइड। एंड जल्दी से मैं दूसरे साइड पर भी स्ट्रेटनिंग कर लूँगी अपने बालों को। और एक बात बता दूँ, जब आप इसे यूज़ करके आपका हो जाए तब आप इसमें से बाल निकाल लें, जब ये ठंडा हो जाए। मैंने तो ऐसे ही थोड़ा सा निकाल लिया है और अब मैं इसे दूसरे साइड पर जल्दी से यूज़ कर लूँगी और बहुत ही जल्दी ये काम हो जाता है। लाइक अगर आपका एक बार आपको आदत हो गई है इसे यूज़ करने की, तो आप बहुत फास्ट इसे यूज़ कर सकते हैं एंड 2 मिनट में आपके बाल पूरे अच्छे से सेट हो जाएंगे। एट द मोस्ट आपके अगर घने लंबे बाल हैं तो आपको 5 मिनट्स लग सकता है और 5 मिनट में आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। और अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लो ड्राई है या स्ट्रेटनिंग मशीन है, आपको रेगुलरली बालों में कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करना है और कभी कभी आपको स्पा भी यूज़ करना चाहिए अगर आप स्पेशली हेयर कलर यूज़ करते हैं बालों में। एंड देख सकते हो यहाँ के बाल भी बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे मेरे, एंड इट वॉज़ लुकिंग वेरी फनी अर्लियर, अभी बिल्कुल स्ट्रेट एंड सीधे हो गए हैं। एंड काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, इट इज़ लुकिंग वेरी नीट एंड वेरी गुड। इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 3,746 रुपीज़ ऑन अमेज़ॉन एज़ वेल एज़ ऑन मिंत्रा। एंड जो प्राइस आप पे कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी डील आपको मिल रही है। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड आपके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला प्रोडक्ट है। बिकॉज़ अगर आपके बाल भी मेरी तरह वेवी हैं, जिसे आपको रोज़ मैनेज करना पड़ता है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बाल इसमें से निकाल कर ही इसे रखना है। एंड जब आप इसे रखें तो इसे ऑफ़ करके रखें, एंड जब आप इसे यूज़ करें तो ऑफ़ करके ही प्लग इन करें। एंड होपफुली आपको ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर एवरीवन।